नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में हाई सेकेंडरी टेट 2020 का कंप्लीट सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में देखेंगे। नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन 2014 में जो आया था, 13-14 में, उसका नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग सिलेबस देखेंगे और क्या उसका क्राइटेरिया है वो देखेंगे, ठीक है। पेपर वन पेपर टू दो होता है, तो दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, क्या आप दोनों देना पड़ेगा या एक देना पड़ेगा, सब कुछ डाउट जो है, यानी आर्ट्स कॉमर्स साइंस का कैंडिडेट कौन सा पेपर लेना पड़ेगा, ठीक है, वो सब कुछ देखेंगे एक ही वीडियो में। यानी आपका डाउट जो है ए टू जेड ये वीडियो देखने के बाद कंप्लीट करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ये जो मैं बता रहा हूँ, एज पर आसाम हाई सेकेंडरी टेट 2013-14 जो एडवर्टाइजमेंट आउट हुआ था उसके हिसाब से बताऊँगा, जो भी बताऊँगा मैं। हो सकता है आने वाला दिनों में जो नोटिफिकेशन आएगा 2020 या 21 में, जब भी आएगा, तो उसमें कुछ बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, जो भी मैं बता रहा हूँ 13 और 14 का जो एडवर्टाइजमेंट था उसके हिसाब से बताऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इस फॉर्म को भरने के लिए या इस एच एस स्टेट को देने के लिए कौन एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कैंडिडेट मास है मास्टर डिग्री, आपके पास इसको भरने के लिए मास्टर डिग्री होना पड़ेगा, यानी एमए एमएससी एमकॉम आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से स्ट्रीम से किए हैं मास्टर डिग्री, और साथ में आपके पास 50% मार्क है, और साथ में बीएड या फिर बीटी डिग्री आपके पास है, तो इस फॉर्म को यानी एच एस टेट देने के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यानी असम हाई सेकेंडरी टेट जो है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी आपके पास मास्टर है और साथ में 50% और साथ में आपके पास बीएड है तो एलिजिबल हैं। और उस टाइम एज दिया था 38 ईयर्स मैक्सिमम, हो सकता है आने वाले दिन में इसमें बदलाव आए, लेकिन उसके हिसाब से था 38, ठीक है। तो मान के चलिए नॉर्मल जनरल के लिए 38 था, बाकी आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग, आप देखेंगे ये तो क्राइटेरिया जान लिया कि क्या इसको भरने के लिए आपके पास मास्टर चाहिए, साथ में 50% और साथ में क्या चाहिए, बीएड चाहिए, ठीक है। और आपका एज जो है 38 मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 38 के अंदर होना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे सिलेबस जो है पेपर वन और पेपर टू का कंप्लीट, इसके बारे में देखते हैं। इसमें बहुत कैंडिडेट का डाउट आ रहा था, मैं अपने तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगा आपका डाउट कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस में है द एग्जामिनेशन विल बी टू पेपर्स, इसमें दो पेपर होता है, पेपर वन और पेपर टू, ठीक है, हो गया। द पेपर वन विल बी कॉमन टू ऑल कैंडिडेट, पेपर वन जो होगा सबके लिए कॉमन होगा, यानी पेपर वन जो है यदि सिलेबस चेंज भी हो रहा है तो पेपर वन को मान के चलिए कि चेंज नहीं होगा, होगा तो पेपर टू में ही चेंज होगा। आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं पेपर वन आपके लिए सेम होगा, और पेपर वन कितना मार्क कैरी करेगा, 100 मार्क, ठीक है। तो ए स्लाइड से हमको ये समझ में आया कि दो पेपर होता है, वन और टू। वन जो होता है कॉमन सबके लिए होता है, जो भी स्ट्रीम से आप किए हैं मास्टर डिग्री आपके लिए वन देना पड़ेगा, और वन में कितना मार्क होता है, 100 मार्क होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 100 मार्क जो है सब्जेक्ट, पेपर वन का जो सब्जेक्ट वाइज है ब्रेकडाउन, 100 मार्क में क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 100 मार्क में क्या होता है, इट हैज़ फोर पार्ट, 100 मार्क को ब्रेक करके चार पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है उसमें पेडागोजी दिया है 20 मार्क, ठीक है, उसके बाद जनरल इंग्लिश दिया है 40 मार्क, उसके बाद बेसिक न्यूमेरिकल दिया है 20 मार्क, उसके बाद असम एंड इट्स पीपल्स नाम करके दिया है, इसमें दिया है 20 मार्क। यानी देखिए सिलेबस चेंज भी हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, तो देखिए सब्जेक्ट का नाम तो सेम रहेगा, उसमें टॉपिक भी सेम होगा, हो सकता है मार्क में कुछ अंतर हो जाए, लेकिन सब्जेक्ट तो सेम रहेगा, पेडागोजी तो होना ही है, इंग्लिश के बिना कुछ चलता ही नहीं है, और मैथ जो होना बेसिक जो मैथ न्यूमेरिकल्स है वो तो होगा ही, और असम का एग्जाम रहा तो असम के बारे में नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये चार पार्ट में 100 मार्क कंप्लीट हो गया पेपर वन, तो 100 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा यदि प्रिपरेशन ये सब्जेक्ट कर ले रहे हैं। अब चलते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर भी, तो सबसे पहले पेडागोजी के अंदर चलते हैं। पेडागोजी में क्या दिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड पेडागोजी, उसमें आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग एंड पेडागोजी में जो 20 मार्क है, तो सबसे पहले इसमें आपको ये सब पढ़ना है। उसके बाद इसमें और भी है एडुकेशन साइकोलॉजी, ये सब सिलेबस है, देख सकते हैं, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके पा सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ एडुलेशन जो दिया है ये भी है, यानी तीन पार्ट हो गया पेडागोजी में, तीन पार्ट हो गया, सबसे पहले क्या था लर्निंग प्रोसेस इन पेडागोजी, उसके बाद एडुकेशन साइकोलॉजी, उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ एडुलेशन, सॉरी साइकोलॉजी ऑफ एडुकेशन, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है पेडागोजी खत्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट इंग्लिश, इंग्लिश में 40 मार्क है और सिलेबस ये रहा, ठीक है, देख सकते हैं सिलेबस, इसका स्क्रीनशॉट करके या फिर आपको पीडीएफ ही मिल जाएगा, मैं शेयर कर दूंगा। तो ये है इंग्लिश का सिलेबस 40 मार्क, तो इंग्लिश सिलेबस तो लगभग यही रहता है और मार्क वेरी हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिक न्यूमेरिकल्स में 20 मार्क है, क्लास 10 लेवल तक आपका मैथ आएगा, क्या क्या सिलेबस है, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉमर्शियल, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री,
मेंसुरेशन प्रोबेबिलिटी ये सब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है असम एंड इस पीपुल, इसके अंदर आपको हिस्ट्री ऑफ असम जो कि मैं कवर भी कर रहा हूँ, उसके बाद जियोग्राफी ऑफ असम, ठीक है, ये दोनों मिला के 20 मार्क है, ठीक है, समझ में आ गया। एन सी एन मेडिबल मॉडल मॉडर्न दोनों ही होगा हिस्ट्री में। उसके बाद ये तो हो गया आपका 4 पार्ट कंप्लीट, और 4 पार्ट में आपको 100 मार्क हो जाएगा। पेपर वन आपको कंप्लीट हो गया, पेपर वन में कोई डाउट नहीं होगा इतना तक तो आपको। अब डाउट बचता है पेपर टू में, डाउट तो होना ही चाहिए क्योंकि बहुत बार चेंज हो चुका है इसमें, बहुत बहुत कुछ हुआ है इसमें। तो पेपर टू का सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले, अब नेक्स्ट जो है इसका भी कितना होगा मार्क वो देखेंगे सब कुछ। द पेपर टू विल बी हैव 3 ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन होगा, ऑब्वियसली 3 ऑप्शन होगा क्योंकि 3 स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस के हिसाब से अलग अलग होगा। ऑप्शन वन, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। द कैंडिडेट सेल हैव टू ऑप्ट ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है 3 में से, क्योंकि आप आर्ट्स का है तो आर्ट्स का चूज करेंगे, कॉमर्स का तो कॉमर्स का, साइंस का है तो साइंस का, ठीक है। तो आपको 3 ऑप्शन में से कोई एक चूज करना होता है। पेपर टू विल कैरी 100 मार्क, इसका भी मार्क कितना हो गया 100, तो टोटल मार्क कितना हो गया दोनों मिला के पेपर वन और पेपर टू 200, ठीक है, 200 मार्क हो गया, ठीक है। तो 100 मार्क पेपर वन, 100 मार्क पेपर टू, तो पेपर टू का 100 मार्क में क्या क्या दिया है देखो। बाद में इसमें रिवाइज भी हुआ, यानी पहले तो था कि कोई भी सब्जेक्ट कोई आदमी ले सकता है, लेकिन बाद में रिवाइज करके कर दिया गया। ऑप्शन वन जो है इसमें दे दिया गया कॉमर्स कैंडिडेट के लिए, ऑप्शन बी दिया साइंस कैंडिडेट के लिए, और ऑप्शन सी दिया किसके लिए, आर्ट्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे आर्ट्स के लिए क्या है, साइंस के लिए क्या है, कॉमर्स के लिए क्या है, थोड़ा बहुत सिलेबस का हाईलाइट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, तो हम लोग आगे चलेंगे और देख लेते हैं ऑप्शन, जो 3 ऑप्शन था, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो ऑप्शन ए में आपको कॉमर्स के लिए दिया है, इसमें दिया है कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया है, 20 मार्क आपका बिजनेस स्टडी आएगा, जो भी कॉमर्स का कैंडिडेट है देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है यहाँ पे क्या दिया है, अकाउंटेंसी 30 मार्क, ठीक है। पार्ट टू में आपको एक बात यहाँ याद रखना है, जितना भी पार्ट दिया है यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको सब पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 100 मार्क होना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी जितना पार्ट दिया आपको आपके लिए सब सब आपको करना पड़ेगा, यानी सब कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका सेल्समैन्स जो है पार्ट थ्री में, उसका 20 मार्क है। उसके बाद बैंकिंग 15 मार्क, उसके बाद इंश्योरेंस 15 मार्क पार्ट फाइव में। तो इस प्रकार आपका 100 मार्क हो जा रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड हैं तो आपका ऑप्शन वन ऑप्शन ए था यहाँ पे, पिछला बार जो एडवर्टाइजमेंट था उसके हिसाब से। हो सकता है इस बार कुछ बदलाव आए, लेकिन मुझे लगता है सिलेबस सफिशियंट है आप सभी के लिए यदि कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो, ठीक है। और अब हम लोग ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, बी में क्या था उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में आपके लिए साइंस था, मैं बताया था स्टार्टिंग में ही। तो साइंस बैकग्राउंड कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट है कैन चूज एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम दिस, इसमें से 2 पार्ट आपको चूज करना है। तो पार्ट वन में 50 मार्क है, 50 मार्क से, यानी इसमें भी कितना मार्क है, पार्ट बी भी, बी ऑप्शन बी में भी कितना मार्क है, 100। तो आपको जितना यहाँ बोला है सब कंपलसरी होगा, यानी दो पार्ट आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिक्स होगा एक 50 मार्क के लिए, दूसरा क्या होगा आप देखिए यहाँ पे, दूसरा क्या है फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री है, पार्ट टू हो गया केमिस्ट्री 50 मार्क, यानी 100 मार्क हो गया। उसके बाद और क्या दिया है नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है यहाँ पे बायोलॉजी दिया है, तो बायोलॉजी पार्ट थ्री में 50 मार्क। उसके बाद और एक साइड दिया होगा मैथ्स मैथमेटिक्स दिया होगा, हो सकता है यहाँ पे, हाँ मैथमेटिक्स दिया 50 मार्क। तो 50 मार्क ए हो गया, यानी साइंस का सब्जेक्ट आप लेते हैं तो 4 पार्ट यहाँ दिया है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर, इसमें से आपको 2 पार्ट तो लेना ही है। आप किस स्ट्रीम से मास्टर्स किए हैं, आपका क्या है मास्टर्स में, उसके हिसाब से आप चॉइस कीजिएगा, और उसके हिसाब से चॉइस भी करना बेहतर होगा, समझ में आ गया होगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो मुझे लगता है कॉमर्स और साइंस का जो सिलेबस है सफिशियंट है, इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन सी जो था साइंस आर्ट्स के लिए, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलो चलिए देखते हैं ऑप्शन सी के बारे में। तो ये रहा ऑप्शन सी जो कि साइंस के लिए ऑब्वियसली बचेगा, क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स हो गया तो सी ऑप्शन साइंस के लिए होगा। यहाँ पे जनरल स्टडी एंड करेंट अफेयर्स था 2014 के हिसाब से, लेकिन इससे इसका बीच में सिलेबस एक आया था, उसमें आर्ट्स के लिए अलग सिलेबस था, मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन जो 2014 में रिवाइज सिलेबस में यही था जो 100 मार्क के लिए आर्ट्स कैंडिडेट के लिए बचा है, ठीक है। आपको ये सब पढ़ना था, ठीक है। तो इतना ही सिलेबस है, यानी थोड़ा कम लग रहा है, मुझे डाउट भी लग रहा है इस सिलेबस में, आर्ट्स का सिलेबस में तो कुछ बदलाव आना जरूर चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं दिया है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया है। और मैं आपको जो बोल रहा था कि एक और सिलेबस है जो आर्ट्स के कैंडिडेट के लिए, वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन 2014 का सिलेबस में यही दिया था, मुझे यही मिला, ठीक है। जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट था उसको मैं पढ़ा, बहुत एनालाइज किया, उसके बाद मुझे आर्ट्स का सिलेबस में, आर्ट्स का सिलेबस में ऑप्शन सी जो है वो यही मिला, ठीक है। लेकिन बाकी भी एक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आर्ट्स के लिए
लिखा हुआ है वहाँ पे, वो भी सिलेबस मुझे मेरे हिसाब से सही है, और शायद वही हो सकता है आपको आगे आने वाले दिनों में। तो आपको दोनों यदि आप आर्ट्स का कैंडिडेट है तो आपको दोनों प्रिपेयर करके चलना है, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनरल स्टडी में आपको तो जो पेपर वन था उसमें भी है मदद कर देगा, और यदि सिलेबस सेम हो जा रहा है तो आपको इसमें भी मदद करेगा। ठीक है, तो मैं जो बता रहा था उसको मैं दिखा रहा हूँ अब। तो जो मैं बोल रहा था आर्ट्स के लिए स्पेशल सिलेबस जो था यहाँ पे लिख दिया है पेपर टू बोल के, तो ये रहा इकोनॉमिक्स, यहाँ पे एक ये भी 100 मार्क का है, तो ये सिलेबस जो है अच्छा कवर कर रहा है आर्ट्स कैंडिडेट के लिए। तो आपको प्रिपेयर यही लेके चलना है, हो सकता है आर्ट्स वाला सिलेबस मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। पॉलिटिकल साइंस 25 मार्क दिया है, उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी दिया है और साथ में हिस्ट्री दिया है। ठीक है, तो यदि आप आर्ट्स का कैंडिडेट हैं तो आपको सिलेबस ये फॉलो करना पड़ेगा। जितना भी मैं सिलेबस दिखाया और जो वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये जितना भी सब कुछ है सब ऑफिशियली मैं सर्च करके और एनालाइज करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको इसको बिल्कुल विश्वास रखना है। तो दो आपको सिलेबस में दिखाया आर्ट्स का कैंडिडेट के लिए, एक तो पहले जो दिखाया और एक जो अभी दिखाया, तो दोनों आपको प्रिपेयर होकर चलना है यदि आप आर्ट्स का कैंडिडेट हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सिलेबस यही रहेगा, क्योंकि आपको आर्ट्स का हिस्ट्री में ये सब पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा क्या है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। यहाँ पे वैसे ऑप्शन नहीं दिया है उसीलिए मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन ए आर्ट्स के लिए आर्ट्स का सिलेबस जो सब कवर कर रहा है ये भी 100 मार्क का है। ठीक है, तो ए होना चाहिए, और मुझे मेरे हिसाब से यदि सिलेबस चेंज हो रहा है तो ए सिलेबस ही जरूर देगा। ठीक है, अब ले लेते हैं आपको ऑप्शन जो है ए बी सी का डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन ए कॉमर्स के लिए, ऑप्शन बी आर्ट्स के लिए साइंस के लिए, और ऑप्शन सी जो है आर्ट्स के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं कुछ कॉमन डाउट जो हो सकता है, आप एक्सपेक्टेड डाउट मैं लूँगा। ठीक है, और इस वीडियो का कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं आपका क्या डाउट है, कुछ और भी लगता है जो। तो हम लोग कॉमन डाउट ले लेते हैं, एक्सपेक्टेड डाउट मैं लिया हूँ यहाँ पे, क्या सिलेबस चेंज होगा? तो देखिए सिलेबस तो चेंज होगा, कुछ ना कुछ जरूर चेंज होगा, लेकिन 90% टॉपिक जो है सेम ही होना चाहिए। और मैं बताया जैसे कि आर्ट्स का सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, बाकी साइंस और कॉमर्स मुझे नहीं लगता है, क्योंकि लगभग सब कुछ कवर हो चुका है। तो 90% के आसपास आपका याद रखना है कि सिलेबस वही रहेगा, थोड़ा बहुत फेर बदल कर सकता है, और जो मैं आर्ट्स का दो दिखाया दोनों आपको लेके चलना है। समझ में आ गया होगा, तो 90% आपको याद रखना है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, और हो भी रहा है तो आपका जो ऑप्शन वाला जो सिलेबस है उसमें ही बदलाव होगा, और बाकी पेपर वन का है उसमें तो मान के चलिए नहीं के बराबर ही बदलाव होगा। अब ये दो नंबर डाउट हो सकता है कि वुड आई प्रिपेयर फॉर बोथ पेपर वन एंड पेपर टू, क्या आपको दोनों प्रिपरेशन करना है? बिल्कुल आपको दोनों ही पेपर का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपका 100 मार्क पेपर वन और 100 मार्क पेपर टू दोनों लेके चलना है। ठीक है, तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, आपको सिलेबस दोनों ही सब कुछ मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। व्हिच ऑप्शन शुड आई टेक, क्या ऑप्शन मैं लूँ? देखिए तो मैं बताया उसके हिसाब से 2013-14 का एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, लेकिन हो सकता है इसमें बदलाव। आपका ऑप्शन ए कॉमर्स के लिए, बी के लिए साइंस, और सी के लिए आर्ट्स, जो कि मैं बता चुका हूँ ऑप्शन ए बी सी क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा पिछला स्लाइड देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट हो सकता है कि हाउ वुड आई प्रिपेयर फॉर पेपर वन एंड पेपर टू, पेपर वन और पेपर टू का मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ? तो पेपर वन को जैसे कि मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा, और ये वीडियो इसी चैनल पर आप देख के प्रिपरेशन कर सकते हैं, पेपर वन का आपको टेंशन नहीं लेना है, पेपर वन का ए टू जेड मैं कवर कराऊंगा। लेकिन पेपर टू जो सब्जेक्ट हो जा रहा है वो तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा मुझे कवर करने में, हर सब्जेक्ट कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको इसको खुद से प्रिपरेशन करना है। आपका मास्टर्स हाई सेकेंडरी जो भी है वहाँ से आप प्रिपेयर खुद से कीजिए पेपर टू का, जो कि 100 मार्क। ठीक है, और पेपर वन मैं वादा करता हूँ लगभग मैं आपका पेपर वन कवर करके चलूँगा, एग्ज़ाम तक कवर कर दूँगा। और ये डाउट भी आपको कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट डाउट हो सकता है कि व्हेन विल एडवर्टाइजमेंट कम, जैसे कि मैं इतना सब बताया तो एडवर्टाइजमेंट कब आएगा, ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा या एडवर्टाइजमेंट आएगा? देखिए आपको पता होगा पूरा देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो ये तो मान के चलना है कि लॉकडाउन के बाद ही आएगा। लॉकडाउन के बाद भी इकोनॉमिक स्थिति जो है भारत का वो थोड़ा ख़राब हो चुका होगा, तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम भी लगेगा। ठीक है, लॉकडाउन के बाद मान के चलिए 1-2 महीना के आसपास तो लग ही सकता है एडवर्टाइजमेंट, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, यदि इतना देर होगा तो क्या प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत बड़ा है। आप हाई स्कूल टेट एग्जाम दिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, या फिर पिछला बार जो हाई सेकेंडरी टेट हुआ था उसको दिए होंगे तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको पेपर वन पेपर टू दोनों में लगभग क्वालिफाई करना होता है, इस बार क्या होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन आपको अभी से अब जब आप वीडियो देख रहे हैं तब से आपको अपना प्रिपरेशन पेपर वन पेपर टू का दोनों का स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो आई होप मैं आपका सब डाउट ले लिया होगा और सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट बच गया है, डाउट तो बचेगा ही, तो कुछ ना कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, तो आप कमेंट कीजिएगा क्या आपका डाउट बच गया ये वीडियो को देखने के बाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो भी बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।